हेलो माय ब्यूटीफुल सोल एक्वेरियस। सो यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो आपका ऑलमोस्ट 2 महीना जो बचा हुआ है, ठीक है, रेस्ट ऑफ 2024 आपका कैसा रहने वाला है, क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग सरप्राइजेस जो है आप रिसीव करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे कि इस रेस्ट ऑफ 2024 में आप किस एनर्जी के साथ जो है एक न्यू ईयर में इंटर करने वाले हैं, तो आपके लाइफ में क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इस रेस्ट ऑफ 2024 में होगा, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, और क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है, किस तरह के अप्स एंड डाउन से गुजरना आपको पड़ सकता है। तो जल्दी से पहले हो जाइए पॉजिटिव, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप लोग अपनी पर्सनली ले सकते हैं। एक्वेरियस, यहाँ पे आप जो भी है, आप सोल है, ये मैटर करता है, आप सभी लोग इस रीडिंग को देखेंगे, ठीक है, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग करके या कुछ भी हो। पहला कार्ड ही बहुत ज़बरदस्त एंड बहुत ब्यूटीफुल है, ओके तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जर्नी आपकी ये जो रेस्ट ऑफ 2024 की है ये काफ़ी अमेजिंग है, जिसमें कि आप बहुत ही ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं रूल्स के थ्रू भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, रूल्स रीडिंग भी आपकी डेफिनेटली होगी, काफ़ी पावरफुल मैसेज मिलता है। तो सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप को समझने वाले हैं, अपने लाइफ में इंटर कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने बारे में जान रहे हैं। तो मुझे सबसे पहले ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रेस्ट ऑफ 2024 में आपकी हाईली फेमिनिन एनर्जी रहने वाली है, ओके और ये कोई बुरी बात नहीं है, बहुत 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 अच्छी बात है, ठीक है। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आप एक बहुत ही समझदार, बहुत ही ज़्यादा, ये ना तो हमेशा बोलती हूँ कि सेल्फ लव कीजिए, ठीक है, और ये समझदारी आपके अंदर इस रेस्ट ऑफ 2024 में ही आ जाएगी, तो इंटर कैसे करोगे 2025 में, एक बहुत ही ज़बरदस्त शानदार इंसान बन के आप इंटर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, ठीक है। स्टैंडर्ड हाई होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, यस, यू विल पुट योर सेल्फ केयर फर्स्ट, आप पहले अपने सेल्फ केयर पे ही सबसे पहले ध्यान देंगे, सेल्फ केयर ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है कि कोई कार्मिक से निकलोगे, कोई बहुत बड़े तकलीफ से आप निकलेंगे, कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम से आप निकलेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको ये समझ आएगा कि नहीं, ज़िंदगी में दूसरों के ऊपर ध्यान देने से अच्छा है कि अपने ऊपर ध्यान दें और सेल्फ केयर करें। तो ये चीज़ आपके अंदर समझदारी आ रही है। दूसरा समझदारी यहाँ पे ये है कि आप किसी चीज़ को लेकर अभी के टाइम में हो सकता है कि अपने आपको बाकी सारे लोगों से आइसोलेट कर लिए है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में ऐसे कुछ अच्छे लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, रेस्ट ऑफ 2024 में ही अच्छे अच्छे लोग आएंगे जो कि बहुत सॉफ्ट हार्टेड होंगे, बहुत जेंटल होंगे, आपके साथ कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छे से करेंगे। हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, तो हो सकता है आपकी सेकंड मैरिज हो, थर्ड मैरिज हो, ये भी चांसेस है। और वैसे भी मैंने बहुत सारे मैरिज पे रीडिंग्स डाले हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है मैजिकल एनर्जी या मैजिशियन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको अपने लुक्स पे, मतलब अपने फेमिनिन एनर्जी पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा जो आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम होगा, तो अगर आपका नेचर अच्छा होगा तो डेफिनेटली आप उनको अट्रैक्ट कर जाओगे, आपकी लाइफ में वो आ जाएंगे, या आपके नेचर पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि अपने नेचर को रेस्ट ऑफ 2024 में काफ़ी अच्छा रखना है, इमोशंस को कूल रखना है, डाउन टू अर्थ रहना है, ठीक है। और यहाँ पे डोंट टेक टू सीरियसली, लाइफ को बहुत ही ज़्यादा टू सीरियसली मत लीजिए, ठीक है, लाइफ को इन्जॉय करते हुए आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर किसी बात का डर नहीं रहेगा, ठीक है, और साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव चीज़ों को आप इग्नोर करके ना आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, ग्रूमिंग पे ध्यान देंगे, अपने बॉडी को इम्प्रेस करेंगे, और ये भी सीख रहे हैं हाउ टू से नो। आपकी ये आदत है कि आप लोगों को नो नहीं बोल पाते, आप किसी को उदास नहीं कर पाते, आप दुखी नहीं कर पाते, लेकिन आपके अंदर एक गज़ब की एनर्जी डेवलप हो रही है। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी स्टाइलिश पर्सन दिन प्रतिदिन होते चले जा रहे हैं, ठीक है, और नेचर से भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी रेस्ट ऑफ 2024 में व्हाट यू विल गेट, क्या मिल सकता है आपको। जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके। सबसे पहले फ्यूचर आपका एकदम अच्छा है, एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और फिलहाल जो आपका किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो वह यहाँ पे नहीं रहने वाला है। रूल्स की अगर बात की जाए, रूल्स के थ्रू क्या इन्फॉर्मेशन है, तो रूल्स है सबसे पहला दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, इतने रूल्स मैंने लिए हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये वाला, ओके देखिए, ये जो है एकदम ब्लैंक है,
ब्लैंक के थ्रू ये पता चलता है कि शायद आप अभी जिस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो उसका कोई बहुत आउटकम, कोई बहुत बड़ा आउटकम ना मिले, इसलिए ठीक है, मतलब यूनिवर्स की तरफ से ये नो है, ये जो आप है कोई भी क्वेश्चन मन में सोच रहे हो, ठीक है, मैं क्लैरिफाई करके ही बता देती हूँ, मन में कोई क्वेश्चन सोचिए उसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, सोच सकते हो, मैं बताने वाली हूँ आपको। पहला, सेटिंग प्रायोरिटाइज विल बी अननेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। प्रायोरिटाइज करने को कहा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने लाइफ में बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, ये चीज़ कहा जा रहा है। ओके, टंग कभी कभी स्लिप करते हैं, उसके लिए आई एम सॉरी। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये आपको बता रहा है कि फैमिली के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रह रहा है, इन लॉज अगर दुखी रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, इन लॉज के साथ आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा कनेक्शन मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया। और ये वाली जो एनर्जी है ये दिखा रही है जैसे आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, नए नए डोर खुल रहे हैं, इस चीज़ को दिखाया जा रहा है। होप क्लियरिटी मिली है, समझ में आया है। पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरी जीमेल आनेस्ट आईडी के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आनेस्ट आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, दुनिया के किसी भी कोने में है आप लोग अपनी पर्सनली ले सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।